इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि अगर आपको अपने वन प्लस की मोबाइल फोन से नहीं मिल रहा है टाइम टू टेक एक्शन का, तो ये टाइम टू टेक एक्शन सेटिंग्स क्या होता है और आप इसको कैसे जो है दोस्तों इनेबल डिसेबल करके कैसे आप दोस्तों इसको जो है सेट करके यूज कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सेटिंग्स कैसे और कहां पर मिलता है, इसके लिए आपको वन प्लस फोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाकर नीचे आना है, नीचे आपको मिलता है एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन, या दोस्तों आपको ऑप्शन मिल सकता है सिस्टम सेटिंग का भी। तो आपको सिस्टम सेटिंग या एडिशनल सेटिंग कोई सा भी ऑप्शन मिलता है तो इस पर आपको क्लिक करना है, और इसमें एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक करना है। फिर इसमें सबसे साइड इंटरेक्शन का ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करना है। अब इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है टाइम टू टेक एक्शन का, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो देखिए ये टाइम टू टेक एक्शन के सेटिंग्स क्या होता है। देखिए अगर आपके मोबाइल फोन पर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो ऊपर दोस्तों उसका एक दोस्तों आ जाता होगा विंडोज। जैसे देखिए मैं ये चीज आपको सबसे पहले दोस्तों देता हूं आपको करके दिखा। जैसे दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन आया, तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन यहां पर शो कर गया। अब दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है तो इसको नोटिफिकेशन बैनर कहा जाता है। तो ये कितने देर तक यहां पर शो करना चाहिए इसी का सेटिंग आप यहां से कर सकते हैं टाइम टू टेक एक्शन से। देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो डिफॉल्ट सेलेक्ट होगा। अगर आप 10 सेकंड सेलेक्ट कर देंगे तो 10 सेकंड तक वो जो है दोस्तों नोटिफिकेशन बैनर रहेगा, और 10 सेकंड के अंदर अगर आप उस पर एक्शन लेकर उसको ओपन करके देख लेते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो 10 सेकंड के बाद वो हट जाएगा। देखिए 30 सेकंड सेलेक्ट कर देंगे तो दोस्तों देखिए जब भी आपके फोन पर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसका बैनर दोस्तों यहाँ पर जो है आपके सामने दोस्तों 30 सेकंड तक दोस्तों रहेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर टाइम टू टेक एक्शन में 30 सेकंड सेलेक्ट किया है। तो 30 सेकंड तक ये जो है यहाँ पर शो करेगा। तो 30 सेकंड के अंदर अगर आपने इसे दोस्तों ओपन करके देख लिया तो फिर ठीक है, लेकिन दोस्तों 30 सेकंड के बाद जो है ये दोस्तों यहाँ से हट जाएगा। तो यही चीज आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आप 1 मिनट सेलेक्ट कर देंगे तो दोस्तों नोटिफिकेशन बैनर 1 मिनट तक दिखेगा, और 2 मिनट सेलेक्ट कर देंगे तो नोटिफिकेशन बैनर दोस्तों 2 मिनट तक दिखेगा। सो इस तरीके से आप टाइम टू टेक एक्शन की सेटिंग्स को आप सेट करके यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।